हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44 और आज के वीडियो में हम राहु ग्रह के विषय में बात करेंगे। ये 4 नंबर का ग्रह है। इससे पहले हम सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह के विषय में बात कर चुके हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि राहु आपकी कुंडली में कमज़ोर है। अगर निम्न बताए गए लक्षण आपके जीवन में लंबे समय से चलते आ रहे हैं तो आपको निश्चित ही उपाय की ज़रूरत है। राहु से ग्रसित व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो व्यक्ति ख्यालों में ही करोड़पति बन जाता है। ऐसे लोगों के पास किसी भी काम को लेके, बिजनेस को लेके या जॉब को लेके प्लान तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसको एक्शन में नहीं ला पाते। इस वजह से वो सफल नहीं हो सकते और कितनी बार तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हम सफल नहीं होते। तो मेन बात यही है कि प्लान अच्छे होते हैं लेकिन उनको एक्शन में नहीं ला पाते। दूसरा है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और कई बार अकेले में बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को रात को अच्छी नींद नहीं आ पाती है। हर वक्त वो नेगेटिव थॉट अपने मन में ला के रखते हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट के बजाय वो नेगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है कि वो किसी ना किसी बड़ी बीमारी से मर जाएंगे। उनको बीमारी का बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर वो थोड़ा सा भी उनको प्रॉब्लम है तो उन्हें लगता नहीं, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और लक्षण है उनका कि प्यार में उन्हें हमेशा ही धोखा मिलता है। उनके प्यार कभी भी सफल नहीं होते। शादी करते हैं तो शादी भी उनकी अच्छे तरीके से नहीं निपटती या फिर टूट जाती है। कई लोगों की 2 शादियां भी देखी गई हैं लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलता है। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे रहते हैं। शराब, जुआ, नशा, चोरी, बेईमानी, ऐसी चीज़ों में भी वो फंस जाते हैं यदि राहु उनका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो। और ऐसे लोग कई बार जिनका राहु का देश बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग हत्या भी कर देते हैं और हत्या के लिए उनको जेल जाना पड़ता है। राहु से ग्रसित व्यक्ति नौकरी में नहीं टिक पाता है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी नौकरी बदलते रहते हैं कि क्योंकि इनकी भी नहीं बन पाती किसी से और लोग भी इनके लिए साजिश करते रहते हैं। इनको बिजनेस में भी घाटा उठाना पड़ता है। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। अकेले रहते हैं लेकिन अंदर से उनको लगता है कि फैमिली हो, दोस्त यार हो, एक अच्छी गैदरिंग हो, लेकिन हो नहीं पाती। उन्हें अंधेरे में ही रहना अच्छा लगने लगता है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हर समय दुखी और निराश रहते हैं। विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण रहता है। बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हर रिश्ते में जल्दबाजी बहुत करते हैं इसलिए किसी को समझ ही नहीं पाते और लोग इनका फायदा उठाते हैं। प्रेम में अक्सर धोखा खाते हैं। और यदि राहु के साथ बृहस्पति भी कमज़ोर हैं तो इन्हें कई बार असाध्य रोग भी हो जाते हैं। और राहु से ग्रसित व्यक्ति का पूरा जीवन एक श्राप की तरह ही बीतता है। तो ये थे कुछ लक्षण जो राहु से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में देखे जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं राहु को मजबूत करने के कुछ उपाय, लेकिन इन उपायों को आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। थोड़ी टाइम में करके अगर आप सोचें कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर लें और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए तो ऐसा नहीं है। पहला उपाय तो यही है कि आप खुद को खाली ना रखें। अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो उस काम को आप ज़रूर करें। आजकल ऑनलाइन आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक़ है या ड्राइंग का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है तो आप उससे रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं, उससे रिलेटेड यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं और अपना काम करते रहिए। खाली मत रहिए। अगर खाली रहेंगे तो नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आएंगे और टाइम बीतता रहेगा लेकिन आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और दूसरा है कि यदि किसी ने नेगेटिव बात आपको कुछ कह दिया है, कुछ गलत कह दिया है, तो उसको बार बार रिपीट मत करिए। कोशिश करिए कि उसको दिमाग से आप निकाल दें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी गलत आप ही को बोला जा रहा है, ये सबके साथ होता है, ऐसा सोच लीजिए। अब कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं। ज्योतिषीय उपाय में आप
रविवार के दिन गेहूं, आटा और गुड़ का दान करें। दिन में एक बार राहु काल जरूर होता है, तो 8 दिन तक लगातार जिस वक्त राहु काल हो उस वक्त आप इस दान को जरूर निकालिए। इस दान को आप या तो मंदिर में दे के आइए या गुरुद्वारे में, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आप इसको दान कर सकते हैं। पंछियों को बाजरा खिलाइए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। घर के मंदिर को बिल्कुल साफ रखिए और उसमें दोनों टाइम दिया बत्ती जलाइए और खुशबूदार अगरबत्ती का या स्टिक का, जो आजकल बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार स्टिक आती हैं जलाने वाली, उनका उपयोग करिए। घर को भी पूरी तरह से साफ रखिए, घर के आसपास कीचड़ या गंदगी को ना जमने दें। और अगला उपाय है, एक शीशी लें, उसमें पानी और चंदन का इत्र मिलाएं और उसे रोज़ सफाई करने के बाद घर के बाहर भी छिड़काव करें उसका, और अपने मंदिर में और अपने घर के हर कोने में उसका छिड़काव करें। रोज़ सुबह आपको ये काम करना है। और मंदिर में आप तांबे का लोटा और पीतल का दिया ये जरूर दान करें। हो सके तो कम से कम 4 मंदिरों में तो ये सब चीज़ें आप दान करिए। लोटे में आप जल लेकर जाइए, जल वहाँ चढ़ाइए शिवलिंग पर, और लोटे को प्रार्थना के साथ वहीं छोड़ आइए। और ऐसे ही आप पीतल का दिया लें, घर से उसमें बत्ती बना के ले जाएं, मंदिर में आप पूजा करें शिव जी भगवान की और दूसरे जो आपके इष्ट देव हैं सबकी पूजा करिए, और उस दिए को आप प्रार्थना करके वहीं पे छोड़ आइए। ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा आपको। और राहु से ग्रसित व्यक्ति को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, तो सोमवार को शिव जी की पूजा आप जरूर करें और मंदिर जरूर जाएं। शाम के वक्त माता सरस्वती के मंत्र का आप जाप करिए, इससे भी आपको लाभ पहुंचेगा। और शाम ही के टाइम आपको राहु के बीज मंत्र का 108 बार माला का जाप करना है। घर के हर कोने में रोशनी की व्यवस्था करें, घर में अंधेरा बिल्कुल ना रहने दें। टॉयलेट बाथरूम हमेशा साफ रखें और उनमें लाइट जला के रखें। अगर वहाँ पे अंधेरा रहता है तो लाइट की व्यवस्था करें, और शाम के टाइम तो आप लैट्रिन बाथरूम की लाइट जरूर जला के रखें। चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें, अपने मंदिर में भी चंदन के इत्र का छिड़काव करें और खुद भी चंदन के इत्र को इस्तेमाल करें। नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर भी आप नहा सकते हैं। 4 पानी वाले नारियल लें, अपने ऊपर से उतार कर आप 45 दिन तक घर के चारों अंधेरे कोने में आप इन नारियल को रख दें, और इस तरह से रखें कि आपकी दोबारा इन पर नज़र ना पड़े। और फिर अमावस को आपको नारियल को निकाल कर जल में प्रवाह कर देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगला उपाय है, घर में बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या तो ठीक कराएं या फिर उनको कबाड़ी को दे दें। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान बार बार खराब होता है और बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ है तो भी आपको राहु कष्ट देगा। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा को पूरी तरह से साफ रखें, वहाँ पे पानी ना जमने दें, कीचड़ ना जमने दें, और कोई लोहे का भारी सामान वहाँ पर ना रखें घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में। पुराना बेकार सामान जैसे खाली डिब्बे, बोतल, टूटे हुए जूते, चप्पल घर में इकट्ठे ना करें। फटे हुए वस्त्र बिल्कुल ना पहने। अपने सोने के स्थान को आप साफ रखें। फटे हुए चादर या तकिए इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बाथरूम का नलका यदि टूटा हुआ है तो उसे ठीक करवाएं। घर की छत पर जंग लगा हुआ सामान ना रखें। समय समय पर घर के अंधेरे कोने साफ करते रहें। गंदगी, कीचड़ और अंधेरा ही राहु है, इसलिए खुद को भी साफ रखें और अपने घर को भी साफ रखें। तो ये थे राहु के कुछ उपाय, तो उम्मीद है कि आपको इनसे लाभ मिलेगा। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।